દરેક મંદિરનું પોતાનું મહત્વ હોય છે। વડોદરામાં પણ આવું જ એક પરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે। પૌરાણિક કથાઓ અનુસાર આ મંદિરમાં રહેલ શિવલિંગ દર વર્ષે મહાશિવરાત્રી પર એક દોરા સમાન ઉત્તર તરફ જાય છે। તો આવો આપણે જાણીએ રસપ્રદ ઇતિહાસ। મંદિર છે એનું જે શિવલિંગ ઘટે છે એનું એ કારણ જ નહીં મળતું। કયા કારણે આ શિવલિંગ ઘટે છે? ये मूळ जगह पर थी 1.5 फूट जेटली शिवलिंग उत्तर दिशा में प्रयाण थी गयु। मोटा मोटा साधु संतो ने पूछू, डोंगरे महाराज, पुनीत महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य महाराज, शिवलिंग जी भूस्ताशास्त्री वास्तुकला शास्त्री आया, एमने पण बीजी तपास करी, कारण नहीं मळतुं। क्या क्या कारण शिवलिंग घटे छे? वडोदराना गोत्री गामना तळावनी वच्चे आ परेश्वर महादेव मंदिर आवेलू छे। उत्तर दिशा में गोत्री गाम है। त्या ब्राह्मण गोत्री गंगोत्री पर गोत्री नाम पड़ू। त्या ब्राह्मणों वस्ती थी। इतर बीजी फॉर्म थी। आ बेजन दुश्मना वटाल थी थी। एक दिवस अपने ब्राह्मणों ने हत्या करना के लिए बीजी फॉर्म है। शिवलिंग घटा है और मैं पहले से ये मंदिर में दर्शन करने आता हूँ। ये मंदिर शायद 700 से 800 वर्ष पुराना है और अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयं वो शिवलिंग है। ऐसा बोलते हैं यहाँ जो पहले एक महाराज रहते थे वो यहाँ आए थे। उसको सपने में कुछ भगवान ने उसको संकेत दिया तो वो आके यहाँ पूजा करने आए थे। वहाँ उनको शिवलिंग मिला। पहले तो छोटा सा ये झुपड़ी जैसा बनाया था, फिर धीरे धीरे लोगों ने ये मंदिर डेवलप किया। मानना है सबको कि ये शिवलिंग एक साल में एक चावल जैसा अपनी बाएं और खींच सकता है। किसी को पता नहीं पर पहले से ये देखो, पहले ये जो नंदी महाराज है उसके सामने पहला जो शिवलिंग थे तो उसके सामने ही था, लेकिन जब वो खिसकता इतना दूर आ गया। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब तक ये पूरा जाएगा तो प्रलय हो जाएगा, ऐसा सब बोल रहे हैं।